even get some calls. हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस के नए शो लॉकडाउन की लव स्टोरी के बारे में। तो गाइज़ इसका टाइम स्लॉट चेंज होने वाला है जल्द ही, क्यों होने वाला है वगैरह वगैरह सब आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो गाइज़ ये शो रिसेंटली लॉन्च शो था स्टार प्लस का, जो इन्होंने लॉन्च किया था अगस्त में, जिसका नाम ही लॉकडाउन के ऊपर है और लॉकडाउन के कॉन्सेप्ट वाला शो था। लॉकडाउन में अगस्त में लॉन्च किया था इस शो को। इस शो के सक्सेस या फिर फेल इस पर बात करें तो टीआरपी इसकी ठीक आ रही थी। इतनी इसको बुरी भी नहीं कह सकते, अच्छी भी नहीं कह सकते। बहुत ज़्यादा सक्सेस भी नहीं हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा फेलियर भी नहीं है। सही परफॉर्म कर रहा है, डिसेंट टीआरपी ला रहा है और लोगों को पसंद भी आ रहा है। लेकिन जितने ज़्यादा नंबर्स, जितनी ज़्यादा टीआरपी वो एक्सपेक्ट करते थे चैनल वाले, उतनी टीआरपी इसकी नहीं आ रही है। 7 बजे की टाइम स्लॉट पर अभी ये ऑन एयर है, 7 बजे की टाइम स्लॉट पर आता है। तो गैज़ इसका टाइम स्लॉट चेंज होने वाला है। चेंज कब होगा? तो गैज़ मोस्ट प्रोबेबली 2 नवंबर यानी कि 2 नवंबर से इसका टाइम स्लॉट चेंज हो जाएगा। जो ये 7 बजे आया करता था अब ये 11 बजे आएगा। रात के 11 बजे की टाइम स्लॉट पे शिफ्ट किया जा रहा है इस शो को 7 बजे की टाइम स्लॉट से हटाकर। तो गैज़ इसको 11 बजे शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? इसको इस करके कर रहे हैं, एक तो 7 बजे की जितनी टीआरपी एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी नहीं आ रही है। अच्छा परफॉर्म कर रहा है शो, ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जितनी इनको हाई टीआरपी चाहिए, तो इनको स्टार प्लस वालों को लगता है 11 बजे पे ये अच्छी टीआरपी ला पाएगा। बिकॉज 10:30 बजे ये है जहाँ शो आता है जो कि डिसेंट टीआरपी लेके आता है। तो उसके बाद जब वो एंड होगा तो ये शुरू होगा, तो काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस जो वो देख रही है वो इसको भी देखेगी, या फिर जब बंद होता है शो तो ऑडियंस दूसरा शो भी देख लेती है या फिर 1-2 सेकंड देख लेती है, और अगर उनको उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है तो वो देखने लग जाती है। तो इस तरीके से, इस लॉजिक से वो सोच रहे हैं कि ये है चाहते जो 10:30 बजे आता है वो जब 11 बजे बंद होगा करेगा, तो उसकी जो ऑडियंस है काफ़ी ज़्यादा इसमें लीड इन होगी और ये शो पोटेंशियल रखता है हाई टीआरपी लाने का और 11 बजे की टाइम स्लॉट पर डिसेंट टीआरपी लेके आएगा स्टार प्लस को, ये लगता है। इस करके वो 7 बजे की टाइम स्लॉट से हटाकर इसको 11 बजे पे करने वाले हैं। 2 नवंबर से ये हो जाएगा टाइम स्लॉट चेंज, या फिर हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए डेट, लेकिन क्योंकि डिसीजन वगैरह चेंज होते रहते हैं चैनल में तो डेट्स वगैरह इधर उधर होती रहती होती हैं, कोई अप्रोप्रिएट डेट नहीं होती। लेकिन 2 नवंबर की डेट दे रहा हूँ अभी के लिए, वो टाइम स्लॉट इसका चेंज हो जाएगा। तो गाइस आपको क्या लगता है, इसकी टीआरपी बढ़ेगी या घटेगी टाइम स्लॉट चेंज होकर? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए स्टार प्लस के फैंस के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियोज़ टीवी न्यूज़ की तरह जब भी डालूँ आप सबसे पहले उसके साथ अपडेटेड रहें और आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आज के वीडियो में इतना ही, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं न्यू वीडियो में, गुड बाय।